हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पैशन ऑन माय प्लेट। आने वाला है भाई बहनों का त्यौहार रक्षाबंधन, तो अपने भाई को राखी बांधने के बाद उसका मुंह मीठा करना तो बनता है, और मिठाई घर पे बनी हो तो और भी स्पेशल लगता है। तो इस रक्षाबंधन में आज हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट्स लोडेड चॉकलेट कोकोनट बर्फी। अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बर्फी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक नॉनस्टिक कढ़ाई में 3/4 कप पिसा हुआ नारियल लेंगे। इसको लो फ्लेम में 7 से 8 मिनट तक ड्राई रोस्ट करेंगे। अब इसमें 1/2 कप चीनी ऐड करके मिक्स करेंगे और ऐसे ही मिक्स करते हुए 5 मिनट तक कुक करेंगे। चीनी अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसमें 1/2 कप क्रीम ऐड करके मिक्स करेंगे। क्रीम के जगह आप 1/2 कप मिल्क और 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मिल्क पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो चीनी 1/2 कप से 1 टेबलस्पून कम ऐड कीजिए। इसको लो फ्लेम में ही मिक्स करते रहेंगे। 5 से 6 मिनट के बाद ये मिक्सचर थोड़ा थिक होना शुरू हो जाएगा। देखिए, ये मिक्सचर थिक होके डो के फॉर्म में आ गया है। अब फ्लेम को ऑफ करके इसको निकाल लेंगे और उसी कढ़ाई में और 1/4 कप ग्रेटेड कोकोनट को 5 मिनट तक ड्राई रोस्ट करेंगे। ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गया है। अब इसमें 1/4 कप क्रश्ड रोस्टेड मूंगफली ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे रोस्टेड मूंगफली को 2 सेकंड के लिए ग्राइंड करके ले लिया है। इसको 2 मिनट तक रोस्ट करेंगे। अब फ्लेम को बंद करके इसमें 1/2 कप मेल्टेड डार्क चॉकलेट ऐड करेंगे। मैंने 70 ग्राम डार्क चॉकलेट को डबल बॉयलर में मेल्ट करके ले लिया है। आप चॉकलेट स्प्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिए, गैस का फ्लेम ऑफ रहना चाहिए, नहीं तो चॉकलेट जल सकता है। अब बर्फी को सेट करने के लिए ऐसे रेक्टेंगुलर मोल्ड लेंगे। आप ऐसे स्क्वायर मोल्ड भी ले सकते हैं। इसको बटर या घी से ग्रीस कर लेंगे। अब इसमें कोकोनट का मिल्क मिक्सचर पहले ऐड करके अच्छे से इवनली स्प्रेड कर देंगे। फिर एक स्पैचुले के हेल्प से इसका ऊपर का सरफेस स्मूथ कर लेंगे। अब इसके ऊपर चॉकलेट मिक्सचर को स्प्रेड करेंगे। इसके ऊपर चॉप ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। आप अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे काजू, आलमंड्स और पिस्ता यूज़ किया है। अब इसको एक स्पैचुले के हेल्प से अच्छे से प्रेस कर देंगे, जिससे कि ड्राई फ्रूट्स अच्छे से चिपक जाए। अब इसको 20 मिनट्स के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ देंगे। ये अच्छे से सेट हो गया है। अब इसको 5 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर में रखेंगे, ताकि ये आराम से डीमोल्ड हो जाए। अब इसको बर्फी के शेप में काट के सर्व करेंगे। कम सामान में और बिल्कुल झटपट रेडी हो गया ना ये कमाल की स्वीट। इस रक्षाबंधन में इसको बना के अपने भाई को खिलाइए, और कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और रेसिपी पसंद आया तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए, और ऐसे ही नए नए रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।